हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आज हम आपके लिए लाए हैं चीजी गार्लिक ब्रेड। तो चीजी गार्लिक ब्रेड कैसे बनता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है लहसुन की कलियां, इसे हम ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। आप इसे बारीक भी काट सकते हैं, पर ये ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसे हम ग्रेट कर ले रहे हैं, इसी तरह सारे हम ग्रेट कर लेंगे लहसुन की कलियां। तो ये देखिए, मैंने इसे बारीक से एकदम लहसुन को कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बटर, आप कोई सा भी बटर ले सकते हैं, बटर मेरा मेट ही रहेगा, जमा नहीं रहेगा। तो इसे हम डाल लेंगे, मैंने आधा आधा चम्मच करके डाला है। और इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, नमक डालने से कड़वा हो जाएगा, तो इसलिए नमक नहीं रहे। और इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया हरा। डालने पर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हम ब्रेड ले लेंगे, इस तरह हम ब्रेड लेंगे चार, और इसके हम लगाएंगे ये जो गार्लिक मैंने बनाया है, इसे भी ले लेंगे, इसे अच्छे से हम लगा लेंगे। इसी तरह हम चारों पे लगा लेंगे। तो ये देखिए, सारा ब्रेड पे मैंने बटर लगा, ये गार्लिक लगा लिया है। अब हम चीज लेंगे, इसे भी हम ग्रेट कर लेंगे। चीज़ गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं ना, तो इस पे चीज तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह हम इसे ब्रेड पे इस तरह लगा देंगे, इस तरह। और फिर से ऊपर से हम गार्लिक जो मैंने बनाया है ना, इसे भी लगा लेंगे। तो इस तरह लगाने के बाद इसे हम चलिए सेक लेते हैं। तो इस तरह का हम पैन रख लेंगे, उसे हम गैस को जला लेते हैं। गैस की आंच को हम धीम रखेंगे। सबसे पहले इसमें हम बटर डाल देंगे। बटर डालने के बाद इस तरह हम ब्रेड को डाल देंगे, और उसके ऊपर से हम फिर से गार्लिक को लगा देंगे। इसे भी अच्छे से हम फैला लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। इसे भी हम पलट के सेक लेंगे इस तरह साइड साइड से। तो ये देखिए, मेरा हो गया है, इसे मैंने अलट पलट के सेक लिया है। अब इसे हम बंद कर देते हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह हम सारे कट कर लेंगे, और इसे एक प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए, चीजी गार्लिक ब्रेड मेरा बन के एकदम तैयार है। और आपको एक हम तोड़ के दिखा देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। कमेंट में लिख के बताएगा कैसा है, एक बार जरूर बना के ट्राई करेगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।